दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी दो मोस्ट अवेटेड फिल्में टाइगर थ्री और किसी का भाई किसी की जान को लेकर सुर्खियों में बने हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों ही फिल्में अगले साल ईद और दिवाली के खास मौके पर रिलीज़ की जाएंगी। इसी बीच खबर है कि सलमान के एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात सामने आ रही है, जिसकी जानकारी खुद फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या ने दी है। जी हाँ, दोनों की जोड़ी ने एक साथ फिल्म इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो दी है, जिसके बाद दोनों एक बार फिर एक साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी प्रमोशन जोरों शोरों से की जा रही है। इसी बीच उन्होंने सलमान खान के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी बात की। अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सूरज ने कहा कि ऊंचाई को बनाने के बाद वो सलमान के साथ एक और फिल्म बनाने वाले हैं पिछली चार फिल्मों के बाद। इसको लेकर सूरज कहते हैं कि प्रेम वापस आएगा। उनके इस इंटरव्यू का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सलमान के फैंस काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और साथ ही दोनों की अपकमिंग फिल्म के आने का वेट कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म ऊंचाई की, तो ये फिल्म 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक। थैंक यू दोस्तों।